अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज की मेरी जो वीडियो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि हमने थंबनेल में देखा, मैंने लिखा हुआ है और मेरे टाइटल में भी लिखा हुआ है कि वीडियो का अपना यूट्यूब का वॉच टाइम आप कैसे खुद बढ़ा सकते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और बहुत सी और जगहों पे लोग अपनी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीन शॉट भी शेयर करूँगा कि अपना वॉच टाइम इतने में लें, 4000 रुपये दें और अपना 30 मिनट का वॉच टाइम लें या 30 घंटे का लें। इस तरह की वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी। तो मेरे नज़दीक इन सब वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम अपनी वीडियोस को पेड वॉच टाइम लें। पेड वॉच टाइम से मुराद ये है कि हम अपनी वीडियोस खुद बना रहे हैं और हम किसी को पैसे दें कि यार हमारा वॉच टाइम पूरा कर दो। क्यों यार, ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। हमें एक तो ही फ़ायदा हो रहा है कि हम वॉच टाइम हमें मिल रहा है, दूसरा हमें नुकसान भी तो हो रहा है, हम पे भी तो कर रहे हैं उस बंदे को। उस बंदे ने क्या करना है, कभी ये भी सोचें आप कि वो बंदा आपको वॉच टाइम कैसे दे रहा है। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि यार इतना वॉच टाइम ले लें, इतना ले लें, इतना ले लें, मैं इतने पैसे में इतना दूंगा, 4000 घंटे में आपके पूरे करवा दूंगा, 4000 घंटे पूरे करने के लिए आपको 25,000 रुपये या 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा, तो कभी आप जो लोग आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि यार ये बंदा हमें पैसे ले कर वॉच टाइम कैसे पूरा करेगा, क्या उसके पास इतनी बड़ी टीम है? नहीं, नेवर। उसके पास कोई टीम नहीं है। मैंने इस चीज़ पर बहुत वर्क किया है, मैंने इस चीज़ को बहुत देखा है, मैंने इस तरह के ग्रुप्स भी ज्वाइन करके देखे हैं। मैं ये सोचता था कि यार ये ऐसे होता क्यों है, होता कैसे है, ये वॉच टाइम ऐसे कैसे मिल जाता है, हमारे पास इतने लोगों की टीम है यार और वो हमारे लिए बैठे हैं। मैं एक टीम बनाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ यार मेरे पास अगर 100 बंदों की टीम है, मैं उन 100 बंदों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, 100 के 100 बंदे आप देखें और कम अज़ कम वो वीडियो 20-25 मिनट की भी हो और आप ये वीडियो 20-25 मिनट पूरी देखें। यार क्या वो 100 बंदे पागल हैं कि वो हमारी वो पूरी वीडियो देखें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उन्होंने क्या कुलिया लगाया है, उन्होंने क्या ऐसी चीज़ क्या ऐसी वो तो उन्होंने फॉर्मूला लगाया है कि उनको वॉच टाइम उन्होंने आपका लेके दिया। अच्छा, इसके लिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि वॉच टाइम आप कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन दो बातें इसके लिए ज़रूरी हैं। नंबर वन, जिस आईपी के ऊपर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उस आईपी के ऊपर आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना। नंबर टू, आपने एक वीडियो को मतलब अगर बार बार प्ले करना है तो उसी आईपी पे करना है जिस आईपी पे आपने प्लेलिस्ट बना कर करनी है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है यूट्यूब का कि लेट्स अगर हमारी एक वीडियो है 25 मिनट्स की, मतलब मैक्सिमम वीडियो हमारी जितनी भी हो, मतलब 20 मिनट से ऊपर कितनी मैक्सिमम वीडियो लेंथ ही हो सकती है, वो कोई एक वीडियो हो हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है, आप लोगों के चैनल के ऊपर या जो भी आप जिसका भी टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं जिस चैनल का, उस चैनल के ऊपर एक वीडियो है 20-25 मिनट की, आप उस 20-25 मिनट की वीडियो की प्लेलिस्ट बनाएं। आप प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे वो आप सबको पता है कि यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियोज़ की ऑप्शन में जाना है, चैनल में अंदर जो वीडियो आ रही है वीडियो के ऑप्शन में जाना है और उसको सेव और इन प्लेलिस्ट करना है। सेव इन प्लेलिस्ट करने के बाद यानी कि जहाँ पे सेव वॉच लेटर आता है, सेव इन लाइक वीडियो आता है, वहाँ पे सेव इन प्लेलिस्ट भी आता है। सेव इन प्लेलिस्ट करके आप वहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर दें, एक प्लेलिस्ट क्रिएट करें, उसके अंदर कम से कम एक या दो वीडियो लाजमी डालें जिसका आप जिसके ज़रिए आप अपना वॉच टाइम पूरा करवाना चाह रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैं अभी आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने कैसे की हैं और किस तरह किया है। प्लस मेरे पास अगर ब्रॉडबैंड है, मैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास अगर ब्रॉडबैंड है तो मैं उस ब्रॉडबैंड के ऊपर, क्योंकि वो मेरा प्राइमरी वही है, प्राइमरी मेरा इंटरनेट सोर्स वही है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड के ऊपर मैं वो प्लेलिस्ट नहीं प्ले करूँगा। आपको करना क्या है, आपको एक अल्टरनेट इंटरनेट एक्सेस लेनी है। लाइक अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर मतलब हॉटस्पॉट ऑन कर लें और वो लैपटॉप को दे दें। अगर आपके पास कोई डिवाइस है जॉन्ग की तो उसका लैपटॉप को वाईफाई दे दें, या अगर आपके पास कोई और सोर्स है तो उसका इंटरनेट आप लैपटॉप को दे दें। उन्होंने करना क्या है, आपने लैपटॉप के ऊपर कोई से भी 6 ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेने हैं। मैंने 4 किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है इसलिए मैंने 4 ब्राउज़र इंस्टॉल किए हैं। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कैसे उस पर चलती है।
आप उन आप फॉर एग्जांपल मैं आपको 6 का बताता हूँ, 6 आपने लैपटॉप के ऊपर ब्राउज़र किए हुए हैं, लाइक ओपेरा है, फायरफॉक्स है, उसके बाद क्रोम है, एक क्रोम एक, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जो बेसिक होता है और एक एज होता है, ये आपने 5-6 ब्राउज़र कर लेने हैं। 5-6 ब्राउज़र करने के बाद आपने हर ब्राउज़र के ऊपर, किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आपने यूट्यूब को साइन इन नहीं करना, किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आपने यूट्यूब को साइन इन नहीं करना। आपने करना क्या है, हर ब्राउज़र के ऊपर यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपने कोई सिफ्टी वीडियो ओपन करके आप चैनल ओपन कर लें, वीडियो ओपन कर लें, आप अपनी उस प्लेलिस्ट पे चले जाएं, एक प्लेलिस्ट पे जाएं, उसके बाद उसको स्टॉप करें, लूप में इसको लगा दें, ठीक है। लूप का मतलब कि दोबारा, मतलब ऑटोमेटिकली वो वीडियो चलती रही, लूप में लगा दें, और उसके बाद आप क्रोम पे जाएं, उसी के अंदर यूट्यूब खोलें और वो वीडियो लगा दें, प्लेलिस्ट लगा दें, लूप में लगा दें, ऑटोमेटिक रिवाइंड होती रही। उसके बाद इसी तरह आपने जितने ब्राउज़र ओपन करने हैं, उतने जितनी स्क्रीन होगी उतनी ओपन होंगे, सब पे वो ब्राउज़र ओपन करके सारी अपनी वो प्लेलिस्ट, हर एक पे प्लेलिस्ट लगा के उसको लूप में लगा के वन बाय वन उसको प्ले कर दें। वन बाय वन जब वो प्ले हो जाएगी और इंटरनेट एक्सेस जो उसको दी होगी लैपटॉप की, वो भी आपने कोई अल्टरनेट देनी है, प्राइमरी सोर्स नहीं अपना देना, क्योंकि उसके ऊपर आपने चैनल बनाया हुआ है, आईपी नोट हो जाता है समटाइम। और ये फॉर्मूला सिर्फ एक या दो दफ़ा यूज़ करना है आपने, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। मैंने खुद एक दफ़ा यूज़ किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद एक दफ़ा यूज़ किया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी देता हूँ। मैंने एक दिन के अंदर कम अज़ कम 1100 मतलब व्यूज़ लिए हैं, एक दिन के अंदर 1100 व्यूज़। 1100 व्यूज़ का मतलब ये है कि तकरीबन 10-11 घंटे का वॉच टाइम आया एक दिन के अंदर। मैंने एग्जांपल कोड करने के लिए वो व्यूज़ अपने ऐड किए हैं, और उसका मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड कर रहा हूँ, ये आपको साइड पे नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। और उस अच्छा लैपटॉप के ऊपर आप जैसे ही वो सारे ब्राउज़र पे आप लगा देंगे, तो वन बाय वन आपने उनको प्ले कर देना। प्ले करने के बाद आपने उस लैपटॉप को उठाना और एक साइड पे रख देना, ठीक है। सारी रात चलता रहे, या अगर सारा दिन चलाना है सारा दिन चला लें, सारी रात चलाना है सारी रात चला लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके लैपटॉप नहीं है तो आप पीसी लगा लें, पीसी पे कर लें ये बात। कम अज़ कम 20-22 घंटे आपका वो अगर चल जाए, और उसके ऊपर 4 या 6 ब्राउज़र के ऊपर वो वीडियो चल जाए, तो देखना आपका एक दिन के अंदर, मतलब मेरा जो वॉच टाइम आ रहा है, जो आपने स्क्रीन पे देखा है, 3.0 की वॉच टाइम आ रहा है, 3000 मिनट, घंटे नहीं 3000 मिनट। तो 3000 मिनट आप खुद ही कैलकुलेशन कर लें, आप 22 घंटे चलाया, 22 घंटे को डिवाइड कर लें मिनट पे कितना आता है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे कि ये मैंने किस तरह किया हुआ है। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और बाकी देखने वालों का भी फ़ायदा हो। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी तो दोस्तों ये देखें, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले आया हूँ। तो ये मेरे लैपटॉप के ऊपर मेरी 4 वीडियोस चल रही हैं, और आपने देखा है कि मैंने 4 ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं, ठीक है। और आपने एक चीज़ भी नोट करें कि मैंने किसी पे भी साइन इन नहीं किया, ठीक है। साइन इन करने का नुकसान है, क्योंकि साइन इन करेंगे तो मतलब इसकी बैकएंड पे एक बहुत लंबी वीडियो भी बन सकती है, मतलब साइन इन नहीं करना। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन इन नहीं करना, आप वैसे चलाएँगे वॉच टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल कोड करने के लिए ये मैंने वीडियो दिखाई है, तो लेकिन मैं हर वक्त नहीं लगा के रखता, मैंने सिर्फ एक या दो दफ़ा किया है, इससे मैक्सिमम नहीं किया। मैक्सिमम करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए अगेंस्ट जाएगी, यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके लिए ये बात ठीक नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।